या करना बताओ या करना स्थान मेरे पाकिस्तानी हूँ ये सब की जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ के वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। इमरान खान साहब बार-हा बार मैं और आप यहाँ बैठ के आज पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो शेलिंग होती थी रात के टाइम पाकिस्तान से अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी और यू नो कि जो एक इलीगल और गैर कानूनी तौर पर जो जेलों में लेकिन मैं जो आज मेरे साथ हैं तो हम लोग उनको जानते हैं हमारे दिल के बहुत करीब हैं ये खानदान हमारे दिल के बहुत करीब खानदान पाकिस्तान का इससे बेहतर शायद कोई भी फैमिली जो है वो मुमकिन तौर पर वो इस मुल्क पर नहीं है। इनके भाई जो हैं वो जेल में हैं इनकी भाभी जेल में है इनका बेटा जेल में है इनकी दोनों बहनें जेल में हैं इस वक्त तो नौरीन न्याजी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके हाथ को क्या हुआ पहले तो ये बताएं जरा फ्रैक्चर हो गया ओके हां अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फ्रैक्चर हो गया प्रोटेस्ट से वापसी पे मतलब प्रोटेस्ट के अंदर नहीं हुआ चलिए ठीक है मतलब शायद प्रोटेस्ट के अंदर हुआ चलिए प्रोटेस्ट से वापसी पर हुआ तो ये बताइए कि इमरान खान से इस वक्त कोई रास्ता नहीं है किसी का भी वो कह रहे हैं कि बहुत दिन तक हम रास्ता नहीं करने देंगे अलीमा खान साहिबा भी इस वक्त जेल में है उस्मा खान साहिबा भी जेल में है आपका अपना बेटा जेल में है हाउ आर यू होल्डिंग अप मरीन साहिबा सबसे पहले तो नहीं शुक्र है तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आई हुई और हिम्मत भी अल्लाह ताला ने दी है लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस वक्त इमरान खान की है कि उनको इन्होंने उनकी फिक्र भी ज़्यादा है और ये उनके ऊपर इनका जबर भी बहुत है आप देख रहे होंगे कि कोई वजह नहीं है मुझे नहीं पता आपने कोई तहकीक की कि पहले कभी इस तरह इन्होंने जेल बंद किए इतने दिनों के लिए और मुलाकात बंद की है मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप भी ज़रूर देखिएगा कि कभी इन्होंने इस तरह किसी को और जबकि वो इतने सेंसिटिव कैदी हैं जिनके हमें किसी पर यकीन भी नहीं है कि वो उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं अल्लाह तो है उनके साथ लेकिन फिक्र यह है कि कोई रब्ता नहीं है। आपकी आखिरी बार इमरान खान साहब से कब मुलाकात हुई थी? हफ्ते को ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है ना जिस दिन प्रोटेस्ट थी पिंडी okay. के जिस दिन प्रोटेस्ट थी उस दिन हुई है क्योंकि उसके अगले दिन तो मेरा ये फ्रैक्चर हो गया मैं इसीलिए मैं गई नहीं थी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट पे क्योंकि मेरा ये नया नया हुआ था फ्रैक्चर और इसी वजह से मैं बच गई कि वो रीमा उज़्मा दोनों वहाँ पे थी और उन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि इमरान खान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या वो उनकी सेहत के लिहाज से ओवरऑल हाउ वाज ही डूइंग पहले तो ये बता दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अपने जैसे वो मजबूती से अपने आप को उन्होंने किया है ये तो नहीं हो सकता आवाज आई आवाज कट रही है अब ये नहीं पता कि ये अफवाहें हैं कि ये असल देखें इतना शक डाल दिया और वगैरह वगैरह ये तमाम चीजें आपको पता है इस बारे में इस बारे में परेशानी है ना कि हमें पता ही कुछ नहीं है और ये अंदर से कोई बात बाहर आ नहीं रही अगर इन्होंने चले जेल बंद किए ये हमारा कोई रابطہ इनडायरेक्ट करा सकते हैं ये हमें ये बता सकते हैं कि वो खैरियत से हैं हमें पता तो चले लेकिन क्योंकि हमें पता भी नहीं और हमें ये भी परेशानी है कि ये लोग जिस तरफ लगे हुए हैं कि इनकी तो कोई नियत और इनकी तो कोई काम ठीक है ही नहीं तो हमें तो उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी इमरान खान की है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इमरान खान की वो तो ऑफ कोर्स पूरी कौम जो है इमरान खान के लिए जाहिर है परेशान है हमें नहीं पता कि खान साहब इस वक्त किस तरह किस हालत में हैं और ये तमाम चीज़ें जिन्होंने पिटिशन फाइल की इंतज़ार पंजौता साहब उनको भी वो भी गायब हैं उनको भी उठा लिया जाहिर उन्होंने उठाया जो सबको उठाते हैं मगर क्या ये आई नो कि आपके सियासत से तो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है मुझे पता है कि आप इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि यू नो कि क्या आपको आपके इल्म में है ऐसा कुछ कि कोई इनकी मुलाकात हुई है
अली अमीन गुंडापुर की मुलाकात हुई जिसकी वजह से इस्लामाबाद नहीं जा सके, इमरान खान से किसी की मुलाकात हुई है, क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? नहीं, इल्म में बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि सब जाहिर है सब चीज़ें तो चल रही है साथ साथ। कहाँ अली अमीन क्या कर, कहाँ उनको लेके गए अब हमें तो इसका भी नहीं पता, लेकिन ये कि जो परेशानी की बात है वो यही है कि हमारा कोई रابطہ कराएं ताकि हमें सिर्फ बाकी चीज़ें सियासत अपनी जगह के खान साहब की जो सही हालत और उनकी सेहत और उनकी सब चीज़ों का तो हमें पता चले ना, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब पे कितना कुछ ये कर चुके हैं, किस किस तरह उन पे कई हमले कर चुके हैं। तो देखिए अली मीन तो खान साहब के कहने पे बहुत कुछ कर रहे थे और वो एक जोरावर आदमी थे, तो उन्होंने तो पता नहीं क्या कहाँ वो किस चक्कर किस तरह उनको पकड़ के लेके गए, क्या उन्होंने किया ये मुझे नहीं पता। आपको लीडरशिप पर आपका कोई गिला शिकवा है लीडरशिप से कि जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है? आपको लगता है कुछ लोग समझते हैं कि कुछ शायद थोड़ी सी पसपाई होगी है, थोड़ी देर के लिए हमें स्टेप बैक करना पड़ गया है, दो कदम पीछे हटना पड़ गया क्योंकि जिस तरह से एहतजाज का प्लान था वो नहीं हो सका, लाहौर में उस तरह नहीं हो सका क्योंकि जाहिर है फसाइयत का दौर ही ऐसा चल रहा है, तो आपको लीडरशिप से नहीं? मेरा तो ख्याल है कि बहुत सब जगह बहुत अच्छा एहतजाज था, जितना लाखों कंटेनर इन्होंने लगाया कोई सड़क कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा, उसके बावजूद लोग निकले, लोगों ने मुकाबला किया, लोगों ने सड़कों पे निकले, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एहतजाज था। नहीं, इस्लामाबाद का भी नहीं, मैं ये कह रही हूँ इस्लामाबाद पिंडी में बहुत बड़ा एहतजाज था और लाहौर में तो इन्होंने ऐसे लाहौर को बंद किया था कि आप एक मोटरसाइकिल भी गुजारना मुश्किल हो गया था। नहीं, मेरा मेरा मकसद उस लिहाज से था कि अली अमीन साहब वहां नहीं पहुंच सके जो लाहे अमल देना था, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुई थी और उसके बाद वहां पहुंच नहीं सके, यू नो, और हम जानते हैं कि क्यों नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से जो चीजें चलती रही। मेरे ख्याल से हमारा रब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है थोड़ी देर के लिए, इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो इंटरनेट की जो हालत इस वक्त चल रही है, तो लेकिन हम जैसे ही हमारा इनके साथ वो होता है दोबारा इनको जो है वो उसको स्ट्रीम में लेते हैं। लेकिन अभी सर मुद्दा बहुत ही सादा सा है कि पता चले कि इमरान खान जो है उस वक्त किस सिचुएशन में किस हालत में है, खान साहब के बारे में कोई भी इस वक्त नहीं जानता है, वकला की मुलाकात नहीं, सॉरी इंतजार हुसैन पंजोदा साहब की मुलाकात बिल्कुल नहीं आ रही, हमें लग रहा था कि वो हो जाएगी। हाँ, आप अपना कैमरा तब तक ठीक कर लीजिए, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुलाकात जो है ओके आई एम सॉरी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं अब आ रही, अब आ रही आपको आवाज? अच्छा, कैमरे को ना थोड़ा सा वो डिफरेंट कर ले, पहले की तरह कर ले जिस तरह से पहले था प्लीज जरा उसको, ठीक है? ओके चले, तो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब जो वहाँ पर जो जो नहीं जा सके और जिसकी वजह से नहीं जा सके, ये तमाम चीज़ें कि पूरी कौम जानती है क्या हुआ, प्रॉबली देर वॉज यू नो कोई बात हुई हो, इमरान खान ने वो बात मानी ना हो जो इन्होंने बात की हो, बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर हो, ये सब कहानियाँ हैं, सब बातें हैं, इसमें हकीकत क्या हम नहीं जानते हैं, इसमें क्या हकीकत है, क्या ऐसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ, इसके बारे में कोई भी किसी हम तमाम लोग यू नो उतने ही क्लूलेस हैं जितने के आप लोग हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तक पहुंच सकें कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, लीडरशिप से लोगों के गिले शिकवे और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं और वो बजा हैं वो तमाम चीज़ें, लेकिन प्रॉबली देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द लीडरशिप, मे बी मुमकिन तौर पर यू नो अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो रियासत के का हिस्सा है, जो रियासत जैसी भी है फॉर्म 47 वाली उसका बहरा लोग हिस्सा है और जिसकी वजह से शायद उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम नहीं जानते कि वो क्या लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बारे में हम चाहते हैं कि कौम को पता ज़रूर चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वेयर वॉज ही, व्हाट हैपेंड, यू नो खैर कहाँ पर थे ये तो हमें समझ है सबको कि वो कहाँ पर बेचारे उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि क्या बाकी में कोई बातचीत हुई कि नहीं। नौरीन यादव साहब हमारे साथ हैं, मैं एक मिनट उनको ले लेता हूँ। जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही, ठीक है। हाँ जी, अब आ रही है?
अब आ रही है जी, अब आ रही है, बीच में कट कर। ओके चल ठीक है। ओके तो हम ये बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि लीडरशिप के बारे में, कि लीडरशिप से आप मुतमईन है जो लीडरशिप इस वक्त कर रही है पिछले एक हफ्ते से, 10 दिन से, और इमरान खान के मुकम्मल तौर पर रबता मुनकता होने के बाद से लेकर अब तक, आर यू सेटिस्फाइड? मतलब आपको लगता है कि ठीक है, शायद उनकी कोई लिमिटेशन है क्या? शायद मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अब आजकल अब हम कुछ बता भी नहीं सकते क्योंकि इतना कुछ पीछे से हो रहा है सबके साथ कि ये भी नहीं पता कि इनके साथ पीछे से क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अल्लाह से उम्मीद ही अच्छी रख सकते हैं, वरना क्या पता कि क्या सबके साथ पीछे कर रहे हैं। तो लीडरशिप पता नहीं, मेरा तो ख्याल ये सही कर रही होगी, मुझे सही वैसे कोई उनका लीडरशिप का पता नहीं। मैं तो सिर्फ खान साहब तक, और अब मेरी बहनें अंदर हैं उनके लिए, बेटा है उनके लिए, मैं तो सिर्फ उसी के लिए कर रही हूँ बात, और खान साहब के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए, कि उनको जिस तरह इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया इतने दिनों के लिए, उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। और अलीमा और उज़्मा खान के लिए भी परेशानी है कि बग़ैर वजह की अभी तक इन्होंने उन पर रिमांड तो लेते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और क्योंकि इतना जुल्म हो रहा है और निजामी जुल्म का है, तो ये नहीं पता कि ये किस हद तक जाएंगे। अच्छा, जो अलीमा खान और उस्मा खान पर जो जो मुकदमात हैं, वो क्या मुकदमात हैं, वो इन्होंने क्या दिए और ये रिमांड पर क्यों भेजा होगा, क्योंकि आप कल भी टारगेट पेश कर आप जा रही हैं। जी, आपने देखा था कि वीडियो में वहां दोनों अकेली खड़ी हैं और उनके पास कोई हाथ में चीज नहीं थी, और उनके ऊपर इन्होंने कहा जी इन्होंने मेगाफोन पे लोगों को लीड कर रही थी और ये पेट्रोल बम इनके हाथ में था और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, डंडे थे और क्या क्या था। अब आपने तो देखा, वो तो खाली हाथ सिर्फ सड़क के किनारे रेड लाइन जोन से भी बहुत दूर खड़ी थी, और ये लोग आए हैं कहाँ से आए हैं, जैसे आसमान से वो औरतें नाजिल हुई पुलिस वाली और उनके पास पहुँच के उनको लेके चली गई। और जो मुकदमा बनाया है सब वीडियो देख रही है, और वो जज उसकी कौन सी तहकीक ये जज करते हैं कि इनको सामने नजर आ रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं था। ओके ठीक है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब से जब आपकी जब भी मुलाकात हुई, जो आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा यकीन है शायद वो सियासत पर तो आपसे बात नहीं करते होंगे, वो वैसे मतलब और किस्म की, कुछ और किस्म की आपसे बातें होती होंगी। सो व्हाट डू यू गाइस टॉक, और आप बार बार खान साहब कह रही हैं, ज़ाहिर घर में तो आप खान साहब नहीं कहती होंगी, जो कहती हैं वही नाम लें, इट्स ओके। तो सबको समझ आ जाती है ना, इसलिए खान साहब कहती हैं कि सबको समझ आ जाती है। जो भी मतलब आप उनको जिससे नाम से बुलाती है, तो एक तो ये भी बताते हैं कि आप किस नाम से उनको बुलाती है, पहली बात ये घर में, और दूसरा अगर आप बुला देंगे, और दूसरा ये कि व्हाट डज ही टॉक टू यू अबाउट, लाइक यू नो आपके साथ अलीमा खान साहिबा के साथ नहीं, वो सियासी बातें भी करते हैं, वो करते हैं बताते हैं, मतलब वो भी जो गोरा होता है उस पर जरूर बोलते हैं। लेकिन देखें, आप सोचें उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनके साथ जो उनका मुशक्कती है वो भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है। अब इन्होंने सख्ती बेतहाशा कर रहे हैं, और क्योंकि ये इतने कमज़ोर लोग हैं, ये खुद से इनमें हिम्मत नहीं है, ये समझते हैं वो किसी पॉइंट पर टूट जाएंगे, लेकिन जहाँ तक जितना वो बर्दाश्त कर चुके हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आइसोलेशन बहुत बड़ी मुश्किल, मेरे लिहाज से तो मैं सोचती हूँ बड़ी तकलीफ दे चीज़ है कि आप किसी से बात भी ना कर सकें और देख भी ना सकें। और अब आप ये सोचें कि इतने दिन उन्होंने जो हमारी मुलाकात जायज़, जो इनकी मतलब लाजमी मुलाकात है हफ्ते में एक दफ़ा, वो भी नहीं है। कल मैं जेल के बाहर गई, वहाँ खड़ी रही, मैंने कहा हमारी मुलाकात तो इजाज़त है, हमें हर हफ्ते हमने लाजमी मिलना है। उन्होंने कहा नहीं जी, मुलाकात बंद है, ना हमें इन्फॉर्म किया ना बताया, बस मुलाकात बंद। और उससे पता चलता है कि इनके इरादे क्या हैं, और इनकी क्योंकि नियत ही ठीक नहीं है, और ये क्योंकि जितना ये हारते जा रहे हैं उतनी ही जालिम बनते जा रहे हैं, तो परेशानी तो इमरान खान सबसे ज्यादा। ओके अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा हसन के बारे में, इट्स बीन सो लॉन्ग, हमने इस बारे में बात नहीं की है, आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई हसन से, और हाउ इज ही? हसन से कुछ दो हफ्ते शायद हो गए हैं, क्योंकि पिछली मुलाकात में भी नहीं थी और कल भी शायद मैं नहीं होंगी, कल उसकी मुलाकात है, तो उसकी बाकी सब जाएंगे, मैं तो कल जा रही हूँ पिंडी इस्लामाबाद,
और हसन माशाल्लाह ठीक है, बड़ी हिम्मत से और बड़ी मजबूती से वो भी गुजार रहे हैं, और बाकी भी जितने लड़के हैं वहाँ सब बड़े हिम्मत वाले हैं। तो मैं सोचती हूँ शायद इन्होंने एक कौम बनाते जा रहे हैं, लोगों पे सख्ती करके लोगों में एक हिम्मत और एक वो पैदा करते जा रहे हैं कुव्वत। तो हसन भी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन जेल जेल होती है, हम ठीक तो कह देते हैं लेकिन जो जेल है वो जेल है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल है कि भाई भी जेल में है 1 साल से ऊपर, बेटा जो है वो भी जेल में है। चले बहने तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक आधे दिन में इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन अभी जाहिर है आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम नहीं जानते कि हसान कब वापस आएंगे, हम नहीं जानते इमरान खान साहब कब वापस आएंगे। वेयर इज द होप, यू हैव होप, मतलब आपको उम्मीद है, मतलब अपना बेटा भी है और भाई भी है, तो उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है, तो उम्मीद सबसे बड़ी अल्लाह से है। और हमें यह पता है कि इस सब चीज का नतीजा अच्छा इसलिए होगा कि जो लोगों ने जुल्म भी सहे और वक्त भी गुजारे और लोग इबादत, मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि हसन माँ नमाजें भी दिल से पढ़ रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे, कुरान भी पढ़ रहे, और ये मेरा ख्याल है उसकी बड़ी अच्छी तरबियत हो गई वहां पे जेल में, और खान अच्छा, साहब आपको भी यही कर लगता रहे हैं। हाँ, है, और आपको लगता है, इमरान खान भी यही कर रहे हैं। आपको जी लगता है कि हसान की अच्छी तबीयत होगी जेल में रह के? आपको ये लगता है कि वो अल्लाह के साथ हाँ, करीब होगी? मैंने मैंने हसन को कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र करो सजदे में जाके कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया अल्लाह से और करीब होने का। और आप देखें कि जब अल्लाह के करीब जाते हैं तो अल्लाह की मदद भी सबसे ज्यादा है। अब ये तब से लगे हुए हैं इमरान खान को फारग करने में, लेकिन कौम सारी उनके साथ खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। आप सोचे जितने मैसेजेस आते हैं कि हम इमरान खान के लिए तहज्जुद में दुआएं कर रहे हैं, हम खाना काबा में कर रहे हैं, हम हर जगह से मैसेजेस आते हैं। तो ये देखिए अल्लाह ताला करवा रहे हैं ना, लोगों के दिलों में भी अल्लाह नहीं डाल रहे उनके लिए, और अल्लाह करवा रहे हैं, और इसलिए बिल्कुल मायूसी नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये तो देखिए बुजदिलों की ताकत है ना, आप लोगों पे जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते। आपको पता है जो बच्चे इन्होंने पकड़े हैं उस दिन, ये यहाँ से इस्लामाबाद से, उनको इन्होंने बसों में भरा हुआ जैसे कोई जानवर होते हैं। हमारे दीन में कैदी के भी अल्लाह ने हकूक बताए हैं, आप कैद करें लेकिन उनके साथ बदसलूकी या जुल्म नहीं कर सकते। इन्होंने उनको बंद किया हुआ बस के अंदर, वो गर्मी में चीख रहे हैं, और ये लोग खड़े बाहर, पुलिस वाले भी बड़े जालिम है यकीन करें। मैं सोचती हूँ जिस सख्ती से वो खड़े थे, पानी मांग रहे हैं, उनको पानी नहीं दे रहे, तो ये लोग भी बड़े जालिम है। ये जो पुलिस वाले इनको ड्यूटी पे लगाते हैं, इनको पता नहीं अल्लाह का डर नहीं है, ये ड्यूटी तो करते हैं लेकिन बड़ा जुल्म है। वो बच्चे हैं कोई 18 साल, 14 साल, 16 साल, उससे भी छोटों को पकड़ लिया। आपने देखा होगा फिर सोशल मीडिया पे, एक बच्चा है 13 साल का पठान, वो कहते हैं मैं बाजौर से हूँ, वो सलाखों के पीछे। अब आप इनकी अकल देखें, ये इन बच्चों को तैयार करें आगे के लिए, ये इतने मजबूत बन के निकलेंगे। आप देखिएगा इन्हीं लोगों को खान इमरान खान देख रहे थे, वो कहते थे यही कौम है और इंशाल्लाह यही लोग होंगे। देखिए जो आराम की जिंदगी गुजारते हैं उसको तो जिंदगी में शायद फरागत ही नहीं होती किसी, ये लोग जिस तरह निकलते हैं और जिस नाडर बन के निकलते हैं, इनकी हिम्मत है और ये जाया नहीं होगी इनकी हिम्मत। आप देखिएगा बड़ा अच्छा नतीजा आएगा इस सब का इंशाल्लाह। कितनी कितनी ज्यादा उम्मीद पर उम्मीद बातें हैं एक ऐसे उससे कि जिनके घर के तमाम लोग इस वक्त जेल में है, मुझे नहीं पता कि इतनी ज्यादा पर उम्मीद होना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अल्लाह पर जो तवक्कुल है, अल्लाह ताला भी हमें ऐसा तवक्कुल दे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछूं, सोशल मीडिया की आपने बात की, मतलब हम भी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है, ये तमाम चीजें हैं, मतलब हिस्सा नहीं भी है तो भी जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान की हमायत करते हैं, वो बेशक ऑन ग्राउंड हो, बेशक वो सोशल मीडिया पर हो, हाउ डू यू फील, यानी कि सोशल मीडिया के बारे में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो चलें इसको सिंपलीफाई कर। मैं तो सोचती हूँ सोशल मीडिया ने जो काम किया है ना वो सबसे ज्यादा है, और इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन ही, कभी ये ट्विटर बंद कर रहे हैं, कभी ये इंटरनेट स्लो कर रहे हैं, तब से इनको समझ नहीं आ रही, इनका बस चलिए सारा सिस्टम ही खत्म कर दें, क्योंकि इनको खौफ सोशल मीडिया का है। फिर इन्होंने उनके काउंटर अटैक करने के लिए बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें दे के रखा, लेकिन जो दोबारा से शुरू कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
मैंने कहा सोशल अच्छा मीडिया के करवा रहे। हाँ मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान की। आप ये देखें कि सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। ट्विटर बंद किया, इंटरनेट स्लो किए, सब जगह रुकावटें डाली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके। और उन्होंने हायर किए बंदे सुने बहुत बहुत लाखों की तनख्वाहों पे, जहां ताकि इनका ये नैरेटिव चलाएं, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप देख लें, हम तो सोशल मीडिया देखते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ताकत है और आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू। ये तो पूरे पाकिस्तान का वो है। हाउ डज इट फील नौरीना पा टू बी पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों में एक सुपर हीरो की बहन होना? हाउ डज इट फील? पता नहीं, फील तो नहीं, मतलब हाँ ये समझते हैं कि हम मतलब कि हमारी बाकी अल्लाह ने हमें हमारा कोई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि इमरान खान एक बहुत मतलब वो एक वक्त के साथ उन्होंने अपना कद बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए और बड़ी तकलीफ भी सह के पहुँचे हैं। आसान नहीं था सफ़र उनका, लेकिन वाकई खुशी होती है कि अल्लाह ने हम उस भाई की बहन है। अच्छा मुझे एक बात है कि अलीमा खान साहब ने कहा था कि इमरान खान कभी भी नहीं कहेंगे आप मेरी रिहाई के लिए निकले हैं, इमरान खान अपना वो नहीं बताएंगे। सो इस ही बिन लाइक दिस कि वो अपनी तकलीफ किसी को बताते नहीं, अपना आप खोलकर बताते नहीं, कि या ये अब ऐसा रिसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ है कि वो अपनी तकलीफ अपने तक ही रखते हैं, अपना दुख जो है वो अपने तक ही रखते हैं, यानी कि उनकी जात से जो मुतल्लिक है? नहीं, मेरा ख्याल है वो अपनी जात के लिए सियासत कर ही नहीं रहे ना, वो जिस मकसद से। लेकिन आपके साथ मतलब ज़ाहिर कौम के सामने तो नहीं वो बात करते, मिसाल के तौर पर आपके साथ कि मैं एक मुश्किल में हूँ, यू नो मिसाल के तौर पर, या कुछ भी ऐसा, यू नो अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसी अपनी तकलीफ का इजहार करना, क्योंकि आपने कहा ना जेल तो जेल है ना, बहरहाल जेल तो फिर भी जेल। फिर भी कभी नहीं कहते तकलीफ, कभी नहीं कहते, कोई तकलीफ नहीं कहते, कहते बस गुजर है और गुजर जाएगा। और लेकिन जब कभी जैसे हमारी मुलाकात वो जो होती है जेल के अंदर, उसमें बैठ के वो जिस तरह वो कहते हैं मुझे कुरान और वो समझ आ रहा है, उसकी बातें करते हैं कि कितना कहाँ तक मुझे पहले नहीं, मैं पढ़ता भी था लेकिन यहाँ तक मेरा जहन नहीं गया था, तो वो बातें करते हैं कि मुझे कितना अल्लाह ने इल्म में मेरे इजाफा कर दिया और मैं अल्लाह के कितना और करीब हो गया। चले ठीक है लॉरेंस साहब, बहुत शुक्रिया। बस आखिर में मुझे ये बता दें कि व्हाट अ मैसेज टू द यू नो टू द नेशन लीडरशिप एवरीवन, कि व्हाट आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि इमरान खान और ना सिर्फ इमरान खान, इस मुल्क की चीज़ें थोड़ी बेहतर हों, सही रास्ते पर चल पड़े? क्या एहतजाज करते रहें, क्या कोई और मुतालबा करें, अडयाला के बाहर चले जाए कौम, जाकर एहतजाज करें, लीडरशिप क्या डिफरेंट करे? ये ओपिनियन सिर्फ एक बहन की ओपिनियन है, इसका सियासत से ताल्लुक नहीं। जी मेरा तो ख्याल है और मैं समझती हूँ कि जिस पॉइंट पे सब कुछ आ गया है, अब रुकना नहीं चाहिए, सबको निकल के इस चीज़ को आखिरी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। बहुत आगे तक चीज़ें निकल गई हैं, इसको आखिरी अंजाम तक इसको लेके जाना चाहिए, इसको यहाँ से रुकना नहीं, ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि कहाँ तक चीज़ें चली गई हैं, तो हर जो जो आप समझते हैं कि कहाँ तक गई हैं, तो इसको अब लोगों को निकलना चाहिए। जब भी जो लीडरशिप बुलाए कहीं पर कुछ हो, सबको निकलना चाहिए, क्योंकि अगर अब ना निकले तो फिर इसके बाद तो ग़ुलामी की ज़िंदगी बाकी ताहियात है। देखिए जहाँ तक खान साहब ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचाने में, सालों से उन्होंने लोगों को बता बता के तकरीरें बातें, बच्चे वो बच्चे, आप मैं तो हैरान होती हूँ कि जिस तरह बच्चे, छोटे बच्चे 10-10 साल 8-8 साल के बच्चे उनकी सारी बातें रिपीट कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको अब आगे तक जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद मुल्क लगे। हम इस तरह का मुल्क ना होए कि हमारे ऊपर हमेशा से लगे कि ना कभी इलेक्शन सही होए, ना हमारी जुडिशरी ठीक होए, कि हमारा कोई इदारा ही ठीक ना हो, तो अल्लाह करे बड़ी दुआ है पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ, और इसका अल्लाह करे कि इसकी सारी इदारे ठीक काम करें, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही रहने हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमारे वालदैन ने इस जज्बे से ये मुल्क कहते हैं। मेरे वालिद, आपको पता है कोई बाहर की बनी हुई चीज़, लीवर ब्रदर्स ये जो कंपनियां होती है ना मल्टीनेशनल, वो इसकी चीज़ ही नहीं खरीदते थे, वो लक्स साबुन वगैरह नहीं इस्तेमाल करते थे, वो जो लोकल पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ लेते थे।
उन्होंने आज तक उनका लेवल ही फर्क था पाकिस्तानी होने का। और वो 23 मार्च जब 1940 में जो हुआ था मीनारे पाकिस्तान पे, वो वहाँ शामिल थे उसमें। तो मेरी वालदा भी बहुत एक्टिविस्ट थी इस लिहाज से, तो हमारे अंदर तो वो मैं समझती हूँ कि शायद उन्हीं की कोई है कि आज इमरान खान ने इधर तक पहुँचे मेरे माँ बाप की वजह से। और हम चाहते हैं कि ना हमारी, मैं अक्सर बात ही कहा करता हूँ, काश ऐसा होता कि शौकत खानम साहिबा और इकरामुल्ला न्यासी साहब कोई मैनुअल दे जाते, कोई किताबें लिख जाते कि अपने बच्चों की तालीम तरबियत कैसे की जाए, अपने बच्चों को कैसे इस तरह का बनाया जाए कि जो है नौरीन खान न्याजी निकले, अलीमा खान निकले, उस्मा खान हो, इमरान अहमद खान न्याजी हो, क्या ऐसा किया जाए बच्चों के साथ। काश कि हमें वो मैनुअल कुछ ऐसा दे जाती, कुछ ऐसी चीजें बता जाती जिससे हम यू नो इस कौम को बेहतर बनाने में मदद कर देते। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनको भी पता होगा कि कोई चीज़ है, और मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं वो समझते थे कि इतना है। लेकिन मेरी वालदा तो बहुत जल्दी, उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या था, अल्लाह की मेहरबानी थी, लेकिन बहुत आजिज लोग थे, कहीं पे कोई उनमें ऐसी चीज़ नहीं थी। बड़े पाकिस्तानी थे, आजिज थे और बड़े सादा लोग थे, बड़े अच्छे थे। मेरे वालिद ने बहुत तालीम तब बाहर से पढ़ के आए थे, लेकिन इतनी पाकिस्तानियत थी, वो कहते थे कि कभी डॉलर कमाने बाहर जाना ही नहीं चाहिए, उनको हमेशा इन चीज़ों से, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए थे। तो शायद उन्हीं की वजह से आज इमरान खान ने यहाँ तक लेकर आए, और इतना पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों को इतना उन्होंने मतलब दिया कि बजाय कि और मुल्कों की नकल करके आप बने, आप पाकिस्तानी बन के अपने आप को फख्र महसूस करें। तो आपने वो देख ही लिया होगा कि किस ज़माने से इमरान खान ने पहले शलवार कमीज शुरू करी, जूता भी पाकिस्तानी, कपड़े भी पाकिस्तानी, ना उनको इन चीज़ों में कोई समझते थे कि फ़ख्र है कि आप कैसे कितनी ब्रांडेड चीज़ें पहने। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ पे रखा ताकि लोग जो मुल्क के नौजवान हैं उनको देख के उस चीज़ से सबक लें। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमने आपको बुलाया था। और है कि अल्लाह ताला आपका हसान जो है, जो इस कौम के यू नो मतलब यू नो एक बहुत ही उभर कर वो जो साम जिस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आपको हौसला दे। एक्चुअली मैं तो दुआ करते हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बहुत मशकूर हूँ नौरीन से थोड़ी सी बात की इस बारे में। मुद्दा एक ही है कि इमरान खान कहाँ पर हैं, किस हालत में है इस वक्त, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में हमें नहीं पता। एक बुनियादी हकूक जो से महरूम किया गया हुआ है, हसानुल्लाह न्याजी जो हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लोग हैं उनके साथ जिस तरह का गैर इंसानी सलूक हो रहा है, उस पर तो जब कभी ये तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि किस जुल्म जो है वो इस कौम पर करने की कोशिश की, इस कौम के लोगों पर करने की कोशिश, ख्वातीन के साथ जो कुछ किया, चादर चार दीवारी को जिस तरह से पामाल किया। इमरान खान एक वो लीडर, एक वाहिद पाकिस्तान का वो लीडर जिसकी बीवी को भी कैद किया, बहनों को भी कैद किया, जिसके तमाम रिश्तेदारों को कैद किया, जिस किसी का भी इमरान खान से ताल्लुक है उसको कैद किया। तारीख ये सब याद रखेगी, तारीख नहीं भूल पाएगी, तारीख को एक एक चीज़ याद होगी। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जो ये तहरीक अब चल पड़ी है हकीकी आज़ादी की, अब ये रुकेगी नहीं इंशाल्लाह, और ये अब चलती रहेगी इंशाल्लाह, और लोग इसी तरह जोक दर जोक बाहर निकलेंगे, तमाम फस्तायत का, तमाम मजालिम का, तमाम की तमाम चीज़ों का इसी तरह इस्तकामत से जो है वो मुकाबला करेंगे। क्योंकि एक बात तय है और वो ये कि इस मुल्क ने आगे जाना है और ये मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। एक तरफ ये मुल्क है और एक तरफ ये चंद मफाद परस्त टोला है, और इंशाल्लाह इस मफाद परस्त टोले को 9 अप्रैल की रात से लेकर आज तक मुसलसल शिकस्त हो रही है, और ये शिकस्त ही होगी। अल्लाह ताला ने, मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ कि हम छोटी मोटी झड़पें तो हार सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को फातह पैदा किया। इस जंग का असल फातह इमरान अहमद खान न्याजी है, ये जो कोई भी जितनी जल्दी समझ लेगा मेरे ख्याल से उसके लिए बेहतर होगा हिफ्स करने इस बात को। और तो कुछ कर नहीं सके, ये हिफ्स करने। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया पाकिस्तान।